हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, इसके दो तीन पार्ट्स बनेंगे। इस पार्ट में हम बात करेंगे बेसिक रूल्स के क्वेश्चंस के लिए। अब बेसिक रूल्स आप सभी को पता है, मैं बस एक रिकॉल कर रहा हूं। और यहां पर हम देखेंगे उन सवालों को जिन सवालों को आप छोड़ दिया करते हैं। ठीक है, तो उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। बहुत आसान सवाल है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है, बट आप उसे नया पाकर छोड़ देते हैं। और ये सब सवाल मैंने उठाए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। चलिए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम ब्रेक करें तो हम देखेंगे कि ट्राइंगल और प्लस उसी की हम यूज करेंगे ज्योमेट्री। बस फर्क ये है कि हम यहां पर ट्राइंगल यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, और एक साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जिसको आप कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और जिस एंगल के थ्रू जा रहे हैं, जैसे सपोज करिए ए बी और सी, अगर आप इस एंगल के थ्रू जा रहे हैं एंगल बी के, तो उसके बेस पे जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे आधार, और उसके फ्रंट में जो साइड होगी हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। अगर इस एंगल के लिए जा रहे हैं, सपोज करिए अल्फा के लिए, तो अल्फा के सामने की साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, और उसके वर्टेक्स को जो मिलाती हुई बेस की साइड है उसे आधार कहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ चीजें जानना जरूरी है आपको, ये एंगुलर फॉर्म्स जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो आपका ट्राइंगल है तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जन्म देता है, साइन, कॉस और टैन, और हम इनके रेसिप्रोकल बना लेते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, इन्हीं का यूज करते हैं। आई होप आप सभी को ये पता होगा बेसिक इंफॉर्मेशन। एंगुलर वैल्यूज आप सभी को याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, क्वाड्रेंट की। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री तक ही वैल्यू हो, 90 के ऊपर भी जा सकता है। जैसे आप देखें भाई, 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तो सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 पूरा साइकिल पूरा हो गया आपका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल, ये ध्यान रखिए। सभी का मतलब है सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव, यानी इनकी कोई भी वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पे, सब क्या है, पॉजिटिव है। तो ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यानी 90 और 180 के बीच में। अब 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां पे टैन और कॉट के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में बचा सेक और कॉस। बस ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, इतनी चीजें आई होप आप सभी को पता होंगी। हम यहां पर बात करते हैं अब क्वाड्रेंट्स के ऊपर पूछे गए सवालों को। पहला सवाल देखिए, आप इस सवाल को देखेंगे और जल्दी में करना शुरू कर देंगे, तुरंत ट्राइंगल बनाएंगे, कहेंगे टैन थीटा आ रहा है मेरा -4/3, तो माइनस को निगेट करो, जाहिर सी बात है आप निगेट कर रहे हैं लंब बटे आधार, तो कर्ण हो गया 5। आपने एक चीज नहीं मेंशन करी कि थीटा की वैल्यू आपकी π/2 से पाई के बीच में, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड, और सेकेंड में आपको पता है कि साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पे वैल्यूज पूछ रहा है 2 cot theta, तो जिस तरीके से tan theta नेगेटिव में था, cot theta उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी -3/4। हम ट्राइंगल बना चुके हैं थीटा के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे 5 cos भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ जो रेंज है थीटा की वो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। तो देखिए क्या होता, आधार बटे कर्ण, यानी 3/5, वो भी माइनस का, ध्यान में रखिए, प्लस साइन, लंब बटे कर्ण 4/5, सिर्फ यही एक लौता है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर डालते हैं, -3/2 + 3 + 4/5, तो देखिए यहां पे इजी वे में 10, यानी आपका हो जाएगा -15 + 30 + 8, तो देखिए 15 और 8 23, 23/10 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था ये, इसलिए मैंने पहले उठाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टैकल कैसे करना है। क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखिएगा स्पेशली।
ठीक है, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। जिसने नहीं किया उसके लिए बेनिफिशियल है, डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये सवाल देख के आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल देख के आप रियल में परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करें, हम ये कैसे सॉल्व करें। देखिए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे प्योर आपका जो है ज्ञान लगेगा, बीटा प्लस गामा दिया हुआ अल्फा, अब परेशान कि ये कैसे करें। और देखिए ये सवाल पूछा गया है, अच्छा सवाल मैं माना। इन सब टेढ़े मेढ़े सवालों को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये आप छोड़ देते हैं, पहली नजर में समझ में नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। तो देखिए हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा अल्फा, और यहां पर गामा नहीं है, तो इसका प्रयोग हम हेल्पिंग हैंड कैरियर के तौर पे करेंगे, और रियल में किसका यूज करेंगे, इस गिवन इंफॉर्मेशन का। तो बोथ साइड क्योंकि टैन है तो हम टैन ले लेते हैं। अब ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, क्या टैन ए प्लस बी का क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी। तो सिमिलरली टैन बीटा प्लस टैन गामा अपॉन वन माइनस टैन बीटा टैन गामा इज इक्वल टू टैन अल्फा, मिल गया। चलो अब यहां पे देखो, टैन बीटा प्लस टैन गामा, इतना लिखना नहीं चाहिए मुझे, मैं लिख सिर्फ आपके लिए रहा हूं, टैन अल्फा माइनस टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा। अब हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें बीटा गामा अल्फा यही सब दिया हुआ है, तो हम इस्तेमाल करेंगे अब किसका, इस जगह से हटाने का, किसको, बीटा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है, यानी ए और बी, यानी अल्फा और बीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उन दोनों में जब प्रोडक्ट होगा एंगल्स को लेके तो वैल्यू विल ऑलवेज कम एज वन, तो इतने टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और अब आप यहां पर देखिए, ये माइनस का टैन गामा इस साइड जाएगा तो ये ट्वाइस का टैन गामा हो जाएगा, और ये बराबर किसके होगा, टैन अल्फा। अब आप खुद देखिए कौन सा ऑप्शन है, टैन बीटा प्लस टू टैन गामा इज इक्वल टू टैन अल्फा। तो इतना अच्छा सवाल था, बस ये बात ध्यान में रखिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये दो स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको करके बताया, आपके दिमाग में डायरेक्ट चलना चाहिए। क्योंकि यहां पर अब देखिए सोचने का तरीका क्या था, इसका आपने देखा कि ऑप्शन में टैन बीटा गामा अल्फा है, तो इसमें तो नहीं है ना ऐसा कुछ, अगर आप इसमें लेके चलोगे तो वैल्यू तो वन हो जाएगी, सॉरी वन नहीं होगी, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। फिर हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया, हमने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और इसको कैरियर बना लिया, आसान हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी अच्छा है, देखो टैन अल्फा इज इक्वल टू टू टैन बीटा। अब आपके दिमाग में फिर आ रहा है यार, टैन अल्फा दिया है, साइन कैसे बनाए, चलो देखते हैं। तो साइन तब भी बनेगा, अब देखो स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना सिखा रहा हूं, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए साइन में, अब साइन में ही नहीं होगा कॉस में भी होगा, क्यों, उसका रीजन है क्योंकि आपका टैन है, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कुछ समझ में आ रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, तो ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका ये फॉर्मूला होता है, आप सोच रहे हैं कि काश ये ऊपर होता और पॉजिटिव या नेगेटिव में होता तो फॉर्मूला बना ले, तो यहीं पे आप इस्तेमाल करेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है, इस मेथड का, यानी यही न्यूमरेटर, यही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐड होगा, यही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से सबट्रैक्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखो दो प्लस एक अपॉन दो माइनस एक, यही था ना, मिल गया हमें। अब देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट कि किस तरीके से लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा, हो गया, देखो हम पहुंच रहे हैं, ये आपका बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहां पर आपका हो गया तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए थ्री टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। इतना आसान सवाल था, देखिए थिंकिंग कहां तक रखनी है ये सोचना ज्यादा जरूरी है, सोचना कैसे है, बस वही चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन टाइप्स के सवालों को रखा है जिन्हें आप पहली नजर में छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी कैसे अटेम्प्ट करना है और
स्टेप बाय स्टेप सोच के कैसे करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें तो पेन ही नहीं चलाना था लेकिन आप इतना लंबा चौड़ा इसे देख के बिल्कुल छोड़ देंगे। देखिए इतनी उसने लैंग्वेज लिख दी, उसके बाद ये अजीब से टर्म लिख दिए, अब आपके दिमाग में आ रहा है ए कैसे निकालें। बहुत आसान है, देखिए यहां पे पढ़िए, ए इज अ सर्टेन पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। दिमाग शांत रखिएगा एग्जाम में, तभी आप मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कर पाएंगे। विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन ए, नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डिग्रीज इन ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ रेडियन इन ए। देखो इन्होंने कहा नंबर ऑफ डिग्री और नंबर ऑफ रेडियन, आपको पता है रेडियन पाई के फॉर्म में होता है, डिग्री आपके एंगुलर वैल्यूज के फॉर्म में होती है। क्या दिया हुआ है, 180 प्लस पाई बाय 3, और 180 डिग्री है भैया, स्प्लिट करो 60 प्लस पाई बाय 3। अगर आपसे रेडियन पूछा होता तो बात अलग थी, पर उसने क्या पूछा है, एंगल। कंपेयर कर दो एंगल, लेके कितना आ रहा है, 60 डिग्री। दैट्स योर इजीएस्ट क्वेश्चन, आप इसे छोड़ के भाग जाएंगे पहली नजर में, और यकीन मानिए जब मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, इसको पॉज करके करिए, ठीक है, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद उसे सॉल्व करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दिए। ये सवाल आपके दिमाग में फिर कंफ्यूज कर रहा है, फिर सोच रहे यार ये कैसे करें, अब ये फंस गए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी, साइन सी प्लस ए। तो मुझे जो लग रहा है इसका आंसर तो मुझे पता है, लेकिन अब करें कैसे। तो एक बात समझिए, जब इस तरीके की रिपीटेटिव सीक्वेंस मिले आपको कभी, तो आप सिर्फ एक सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे, बाकी लाइक दैट यानी एंड सो ऑन करके। तो हम सिर्फ एक सीक्वेंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपको सॉल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे करें, तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B का, ठीक है, ना कि आप इन दोनों को ओपन करके फिर सॉल्व करें, एलिमिनेट करें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो 2 तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को डिवाइड कर दो, इतना तो आपके है दिमाग में। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यही होता है, लगा दो। तो साइन ए माइनस बी, अब देखो ए माइनस ए प्लस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस, सॉरी साइन नहीं कॉस होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये टाइम नहीं कंज्यूम करेगा, यकीन मानिए आप इसको छोड़ देते हैं देखकर, इतना लंबा चौड़ा आपके दिमाग में पहली बार में क्लिक नहीं करता है। इसका आंसर देखेंगे तो और मजा आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कॉस ए ए गया, 2b माइनस कॉस 2a, तो हमें ये मिला कि हाफ ऑफ कॉस 2b माइनस 2a मिला, किसकी वैल्यू, इतने टर्म की वैल्यू। तो सिमिलरली इन दोनों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी आपका होना चाहिए हाफ, बताइए भाई, मेरे ख्याल से आप बता ले जाएंगे, कॉस 2c माइनस कॉस 2b, ठीक, प्लस हाफ cos 2a माइनस cos 2c। अब जरा गौर से देखिए, हाफ कॉमन लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, तो a a b b c c, सन्नाटा। मैं बोल रहा हूं, मैं मुझे पहले ही पता था इसका आंसर क्या है, लेकिन मैंने सोचा कि अटेम्प्ट आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब ये सवाल में आप बच नहीं सकते हैं, देखिए गौर से, tan अल्फा tan बीटा m के फॉर्म में, m के फॉर्म में, तो अगर आप देखें तो सॉल्व हो सकता है, कैसे, ट्राई करिए। tan अल्फा, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए ना, लगा दो tan अल्फा, तो ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, बस इसे आपको सॉल्व करना है, m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1, बस ये सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी कितनी, 1।
मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं। इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और जब 1 वैल्यू आएगी तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, पाई बाई 4, क्योंकि टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है, देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, तो घूम फिर के वही आएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं, और ये सवाल आपका क्या कह रहा है, साइन ए बराबर साइन बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, बहुत आसान सवाल है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए साइन ए बराबर साइन बी है और कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आप क्या करेंगे, उठा के डिवाइड कर दो, तो टेन ए बराबर टेन बी हो जाएगा। और ये तब होगा जब टेन बी बराबर होगा एन पाई प्लस ए, खत्म कहानी। तो b बराबर आपका n पाई प्लस a होगा तभी ये आपका मैच करेगा। आंसर कौन सा है, n पाई प्लस a यानी फर्स्ट वाला, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी रखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और b की वैल्यू आप तभी जान लीजिए जब n पाई प्लस a होगी, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि a के फॉर्म में ही आंसर आना, करेक्ट। चलिए तो 2 सेकेंड का सवाल था, ओरली कर सकते। ये सवाल बहुत अच्छा है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, 2008 में पूछा गया था एनडीए के, तो एक को छेड़ेंगे बाकी को छुएंगे भी नहीं। देखिए 67.5, अच्छा अगर हम इसको देखें तो ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस 67 होल 1/2, क्योंकि घटाएंगे तो वापस 112.5 आएगा, बस मिल गया काम, 1 प्लस कॉस 67 और माइनस कॉस, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सिर्फ साइन और कॉसेक ही सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा 67 बाय। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए, जस्ट मिनट, ए वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 67 बाय। अब ये आप देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 होल 1/2, लेकिन यहां से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो हम इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे क्योंकि ये 90 प्लस थीटा वगैरह में भी कुछ कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो ये 135 बन रहा है, और आपको पता है कॉस 2a होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। तो लगा दीजिए बस, ये रूल आपने लगाया जहां आपका सॉल्व हो गया। देखिए तो हम बोलेंगे 1 माइनस कॉस 135 डिग्री, ओके सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है ना, तो ये आपका 1/2 भी कॉमन होगा, तो 1/2 कॉमन है, बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस कॉस 90 प्लस 45, ठीक है, बाय 2, और ये जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 90 प्लस 45 माइनस का साइन 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 पॉजिटिव में डिवाइड बाय 2, यानी रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो कायदे से देखा जाए तो आपका ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और एक बात समझिए, ये आपका अगर हम देखें तो 2.414 है, पर यहां पर 2 इंटू 1.414 से करेंगे तो आप देखिए 2.8 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर है पर लेस देन 1 है, यहां पे कंफ्यूज करने के लिए ग्रेटर देन 1 भी दिया है, बट आंसर आपका डी होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये सवाल बहुत आसान है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। For what value of x does this? अब आपके दिमाग में अगर कुछ भी खुराफात आ रहा हो तुरंत उसे सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ x ही वैल्यू पुट करनी है और इसे सेटिस्फाई कराना है। क्यों इसे हिट एंड ट्रायल से क्यों करना है, अब मेरी बात समझिए, क्योंकि अगर आप इसमें फॉर्मूला बनाने गए तो 2x और 3x के फॉर्मूले में परेशान हो जाओगे। आप पुट करिए सीधे ऑप्शनल वैल्यू, चलिए पहले ही ऑप्शन पुट करते हैं, 4 इंटू साइन 30 1/2, ठीक है, प्लस 3 इंटू साइन 60 रूट 3/2 माइनस 2 इंटू, अब देखो यहां पे पाई बाई 2, तो ये 1 होता है ना, 3x
x यानी पाई बाई सिक्स अगर आपने रखा तो वन बाई टू मतलब पाई बाई टू आएगा, प्लस साइन, अब देखिए ये टू पाई बाई थ्री है, टू पाई बाई थ्री क्या होता है, देखिए पाई माइनस पाई बाई थ्री, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री का मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और आपको पता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है बट हमने पाई के फॉर्म में लिखा है तो ये साइन पाई बाई थ्री ही रहेगा, ठीक है। तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा, यानी अगर हम वैल्यू पुट करें तो अब आप देख सकते हैं ये रूट थ्री बाय टू आएगा, ठीक है, ये थ्री रूट थ्री बाय टू है तो ये फोर रूट थ्री बाय टू हो जाएगा, यहां पे देखिए टू है तो टू बाय टू किस्सा खत्म, भैया फोर रूट थ्री बाई टू को हम बोल सकते हैं टू रूट थ्री। अरे बहुत आसान सवाल था, यही ऑप्शन करेक्ट है, किस्मत अच्छी पहला ऑप्शन मैच कर गया। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे, ये सवाल मैंने जानबूझ के रखे ताकि आपको इस तरीके के सवालों को प्रैक्टिस करने का मौका मिले, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस सेशन, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, because we will keep bringing all the latest information. Thank you. Jai Hind.